जैसे नंद नाम में नंद उत्सव हुआ, उधर कंस सोचने लगा कि मैंने अपनी बहन के ऊपर तो बहुत अत्याचार किया था, उसके सारे बच्चों को मैंने अपने हाथों से मार दिया, उसका तो कसूर भी नहीं था, फिर भी उसने उसके सारे बच्चों को मैंने खत्म कर दिया। मारने वाला तो कहीं और है, और मन में पश्चाताप करके फिर कहने लगा कि क्यों ना मैं कोई यज्ञवर्म करूं, पश्चाताप हो जाएगा। अभी ऐसे सोच रहे थे तो उसके जो राक्षस रूपी मंत्री पद थे, उनकी मंडली थी, वो कहने लगे, अरे कंस तू ऐसे कैसे अपने आप को सोचता है, क्या पता वो देवी की आठवीं संतान ही हो जो उधर खड़ी है, जो तुम्हारे काल है, क्योंकि काशवाणी तो लिखी हुई थी कि इसकी आठवीं संतान है। अब तुम किस विषय से कह सकते हो कि मैंने देवकी के लिए पर ऐसा कर तुम अभी भी रुक जाओ। जब ऐसे कान भरे तो कंस कहने लगा, हाँ ये तो बात सत्य है, वो भी सत्य है, बात तो काशवाणी की यही हुई थी कि इसकी आठवीं संतान है, तो मैं देवकी से ज्यादा क्यों जाकर क्षमा मांगू, पहले क्षमा कर मनाने का मन बन गया था, वो सारा उथल पुथल हो गया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता है, मन में कई बार आती है कि गलती हुई है, चलो क्षमा मांग ली जाए, लेकिन कहते हैं कि साथ अगर अच्छा होना, कोई शिक्षा देने वाला हो तो उसको जीवन में बढ़े आया नहीं जाता है। पर कई बार साथ ऐसे होते हैं वो ये कहने लगते हैं, अरे तू पागल है, तू क्यों माफी मांगेगी, तुम्हारी क्या गलती है, ऐसी कई बातें उठाने वाले हो जाते हैं कि दूसरे बंदे का मन ही बदल जाता है, जैसे कि कंस के साथ हो, और उसने सारे नगर में डिंडोरा पिटवा दिया, अपने सैनिकों को भेजा, जाओ जितने भी एक महीने के बच्चे हैं सबको मार डालो, और सब तरफ हाहाकार मच गया, छोटे छोटे बच्चों को मारना शुरू कर दिया, कंस इतना हत्यारा बन गया। उधर नंदगांव में खूब भगवान लीला करते हैं, लीला नायक भगवान ने जन्म